हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं निकल पड़ा हूँ फास्ट फूड की तलाश में। एक्चुअली क्या है कि कल रात से ही मेरा फास्ट फूड खाने का काफी क्रेविंग हो रहा था, तो मैंने वापस से पापा दादा को पोक किया जो वहाँ पे अभी तेल भरवा रहे हैं अपने बाइक पे। तो हम लोग अभी निकल पड़े हैं फास्ट फूड की खोज पे। तो बाइक पे पहले बैठ जाऊँ, निकलना भी है, फिर देर हो जाएगा ना। फिर तो हम लोग अभी जा रहे हैं अपने पहले डेस्टिनेशन में। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हेदुआ। हाँ, हम लोग अभी जा रहे हैं अपने पहले लोकेशन पे जो कि है हेदुआ। आप देखते हैं वहाँ पे क्या फास्ट फूड मिलता है। इन्होंने बताया कि वहाँ अच्छा चाइनीज आइटम मिलता है, चलो देखते हैं वहीं पे जाके। वैसे मैं बता दूँ फास्ट फूड पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी बना रखा है, मैं आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जाके देख लेना। पकौड़ा वगैरह खाने के लिए फर्स्ट क्लास वेदर हो रखा है, देखो सही है। और देखो संडे होने के वजह से ये जो ब्रिज है कितना खाली है। तो पापा इधर हम लोग को सबसे पहले लेके आए हैं ये टाइम पास। यहाँ पे जो चाइनीज आइटम है वो बहुत ही अच्छा मिलता है, तो चलो देखते हैं टेस्ट करके कैसा है कैसा नहीं है। होप कि अच्छा हो। और अभी जैसा बारिश हो रखा है ना भाई, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। तो यहाँ हम लोग खाने वाले हैं मिक्स नूडल्स विथ चिली फिश। चलो दिखाते हैं कि ये लोग मेरे जो नूडल्स है और चिली फिश है बनाते कैसे हैं। तो यहाँ के ऑनर ने मुझे अपने किचन के अंदर घुसने का परमिशन दे दिया है, तो यहाँ पे अभी मैं दिखाऊंगा मेरा बनने वाला है चिली फिश मिक्स नूडल्स। तो यहाँ बन रहा है मेरा नूडल्स और यहाँ बन रहा है चिली फिश। हम लोग का चिली फिश तो बन चुका है और यहाँ बन रहा है हम लोग का मिक्स नूडल्स। और यहाँ आने का मेरा एक और रीजन ये भी था कि इन लोगों ने काफी अच्छे तरीके से हाइजीन को मेंटेन करके रखा हुआ है, क्योंकि इन लोगों का प्रॉपर हाथों में ग्लव्स है और मुंह में मास्क है, तो ये काफी जरूरी है अभी के लिए। और वैसे बता दूं यहाँ पे जो इन लोगों का जो प्लेट है ये भी सारे डिस्पोजल प्लेट है। गुड जॉब दादा। चिली फिश बनाते हुए देख मुंह में पानी आ गया। तो जब भी आओगे तो इनके हाथ का चिली फिश जरूर खाना। क्या नाम है आपका? गौतम माइते। गौतम दा के हाथों का चिली फिश जरूर खाना। ये आ गया मेरा नूडल्स विथ चिली फिश। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट। भाई जब ये बन रहा था ना, तो मतलब बिल्कुल रुका नहीं जा रहा था, सोच रहा था कब बन के मेरे पास आए और इसको मैं फटाफट ख़त्म करूं। सही टेस्ट कर रहा है वो, बहुत सही है। अब देखता हूँ इनका चिली फिश कैसा है। ये तो एकदम मुंह में ज़्यादा ही घुल गया, बिल्कुल चबाना ही नहीं पड़ा इसको। तो इस चिली फिश एंड मिक्स नूडल्स के पूरे नंबर। जब भी इधर का चक्कर लगे हेदुआ है ना, ये पास में ही हेदुआ पार्क है और उसके ऑपोजिट में ये टाइम पास है, जरूर ट्राई करना इनका, स्पेशली ये चिली फिश जरूर ट्राई करना। तो अभी इसको मैं इंजॉय करता हूँ, इसके बाद जो भी लोकेशन में जाता हूँ मैं आप लोग को अपडेट करता हूँ। पहले इसको खत्म कर लूँ, बहुत ही टेस्टी है, बहुत सारा गर्म भी है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, हल्का हल्का बारिश होना भी स्टार्ट हो गया है। टाइम पास से खाकर हम लोग निकल पड़े हैं अब अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। वो पता नहीं क्या होने वाला है। अभी याद आया कुछ आपको? हंगरी मॉन्ग। ओके, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं हंगरी मॉन्ग। तो देखो वहाँ का कैसा है, क्या है, क्या खाने वाले हैं हम लोग वहाँ पे? टाइपो और मोमो। तो वहाँ हम लोग खाने वाले हैं टाइपो और मोमो। चलो निकलते हैं फटाफट। भाई साहब वो जो हम लोगों ने नूडल्स टेस्ट करा ना, वो हाफ प्लेट था, आप लोगों को शायद बिलीव नहीं होगा। और वो खा के भाई काफी पेट भर चुका है, तो अभी तो थोड़ा देर के लिए यहाँ वहाँ टहलेंगे, जब लगेगा कि थोड़ा और भूख लगा है
तब जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अभी फिलहाल थोड़ा इधर उधर टहलते हैं। ऑलराइट, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने सेकंड लोकेशन पे, जो कि है हंगरी मॉन्क जो भी है समझ लो। और ये स्टॉल देखो यार, कितना छोटा और कितना प्यारा सा लग रहा है, एकदम रोड के साइड में ही है। तो मैं जो ट्राई करने वाला था टाइपो, वो अभी अवेलेबल नहीं है। टाइपो पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं। मैंने इनसे पूछा कि अगर वो नहीं है तो मैं इसके अलावा क्या ट्राई कर सकता हूँ, तो इन्होंने कहा कि आप मेरा चिकन मोमो ट्राई करो, चिकन स्टीम मोमो ट्राई करो, और उसके साथ एक थुप्पा भी ट्राई कर सकते हो। तो मैंने वो दोनों ऑर्डर दे दिया है, चलो आता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब मैं टेस्ट करता हूँ इनका चिकन मोमो और बताता हूँ कैसा है। वैसे चिकन मोमो देखकर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और पीछे सॉन्ग बज रहा है, मेरे को डर लग रहा है कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। वैसे मोमो देखकर इनका काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई साहब, पूरा दार्जिलिंग का मोमो का याद आ गया। एक्चुअल में एकदम वही टेस्ट आ रहा है। और सबसे अच्छा बात मुझे इस मोमो का ये लगा ना, इसके अंदर का जो स्टफिंग है ना, एक नंबर यार, एक नंबर, पूरा फ्लेवर से भरा पड़ा है। अब देखता हूँ इनका सूप कैसा है। सूप तो भैया पानी जैसा लग रहा है। एक्चुअल में थोड़ा पानी जैसा ही है, लेकिन एक चीज है जो फास्ट फूड का मुझे क्रेविंग हो रहा था वो काफी हद तक कम हो गया है। मुझे लगता है एक दो आइटम और टेस्ट करूंगा तो ये जो क्रेविंग है पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। फिलहाल अभी जाता हूँ इस मोमो को एंजॉय करने के लिए। तो ये आ चुका है मेरा चिकन थुप्पा, तो चलो इसको टेस्ट करते और बताते हैं कैसा है ये। पहली बात तो ये जो थुप्पा का जो सूप है ना, काफी गाढ़ा है और फ्लेवर से बहुत भरा पड़ा है। पता नहीं इसके अंदर क्या क्या है, देखते हैं। अगर आप रिजनेबल प्राइस में खाना ढूंढ रहे हो, अगर आपके पास पैसा कम है लेकिन ऐसा कुछ खाना है जिससे पेट पूरा भर जाए, भाई ये थुप्पा ले लो। आप इसका क्वांटिटी देख लो, बस 70 रुपए में। भाई वो थुप्पा कंप्लीट करने के बाद ना मेरे पेट पे जगह बिल्कुल भी नहीं बचा। अब पता नहीं इसके बाद मैं कुछ टेस्ट कर भी पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। अभी एक काम है उसको निपटाने जा रहा हूँ, अगर देखता हूँ उसके बाद अगर कुछ भूख लगा रहा तो कुछ दिखाऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो को एंड कर दूंगा मैं। और अभी तक तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मेरा फास्ट फूड का क्रेविंग है वो अब खत्म होने जा रहा है, और ये बारिश भी स्टार्ट हो चुका है। अभी भाई खाने के लिए तो पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, अगर जूस आइटम मिल जाए तो मजा ही आ जाए। और ये मैंने अपने थुप्पा को आधा पैक भी करवा लिया है। तो यहाँ पे अभी आ गए हम लोग शिव आश्रम, तो यहाँ से कुछ पीते हैं। तो ये इनके मिल्क शेक, वाटर सिरप, शरबत, लस्सी वगैरह का रेट है, और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है ये चॉकलेट मिल्क शेक। देखते हैं इनका ये चॉकलेट मिल्क शेक कैसा है। चॉकलेट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बॉर्नविटा जैसा लग रहा है। तो मिल्क शेक की जगह अगर चाय भी पी लेता तो थोड़ा बहुत ठीक रहता। मिल्क शेक तो वो बिल्कुल नहीं लग रहा था, जैसा कि मैंने बताया एकदम पतला सा बॉर्नविटा लग रहा था। खैर कोई नहीं, अब पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, अब घर जाता हूँ। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, और यहाँ तक देख ले होंगे तो ऑब्वियसली वीडियो अच्छा लगा ही होगा। यहाँ तक अगर वीडियो देख ले हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो ये नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।